रमेश रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट हाल ही में रात की हो गई थी और उसका ट्रांसफर एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था जो काफी सुनसान और वीरान था। वहां से ज्यादा गाड़ियां नहीं गुजरती थी और प्लेटफॉर्म भी अक्सर सुनसान ही रहता था। उस स्टेशन पर ज्यादा पैसेंजर भी वेट नहीं करते थे। शहर की आबादी भी कम थी। रमेश इस बात से काफी नाराज था कि उसका ट्रांसफर ऐसी वीरान जगह पर कर दिया गया। एक रात रमेश खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। क्या मुसीबत है, अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफर हो गया। एक महीना देखता हूँ, फिर बात कर लूंगा ट्रांसफर की। उसका यहाँ नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हाथ में लालटेन लिए और दूसरे हाथ में एक डंडा पकड़े हुए वो प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में सीटी भी बजा देता। एक रात की बात है, उस रात प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा और कोई नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। रमेश ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। ठंड का मौसम था और वो आदमी ठंड से कांप रहा था। रमेश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछताछ करने लगा, कौन हो भाई? उसने देखा कि आदमी को ठंड लग रही है। वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा था। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। अरे कुछ बताओ भी, कौन हो? आदमी बस ठंड से कांप ही जा रहा था। उसने उसे अपने बैग से एक शॉल निकालकर दे दिया। आदमी जैसे ही रमेश की तरफ मुड़ा, रमेश डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। रमेश वहां से भागकर वेटिंग रूम में आ गया। उसने जो देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो फिर से कुछ देर बाद उसी जगह पर चेक करने गया तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, बस उसका शॉल गिरा हुआ है। उसने वो शॉल उठाया और सुबह घर लौट गया। वो इस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल गया। इतनी सुनसान जगह और इतनी गहरी रात, बुरा सपना ही होगा। रमेश, तू तो इस वीराने में अपना मानसिक संतुलन ही ना खो दे। उसने सोचा कि उसे नींद आ रही थी और उसने नींद में सपना देखा। अगली रात वो फिर से ड्यूटी दे रहा था, प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। रमेश टहलता हुआ थक गया तो एक बेंच पर बैठ गया। उसने घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने लालटेन से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रमेश को लगा कि उसे नींद आ रही है। उसने चारों तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। फिर वहीं कुछ देर बैठे बैठे उसकी आंख लगने लगी। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया और उसे जगाने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से ऐसा हुआ तो वो चौंक कर उठ गया। उसने चारों तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रमेश को लगा कि उसने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। रमेश ये सब सोच ही रहा था कि उसे पायल की आवाज आई। उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक लड़की जाती हुई दिखी। रमेश उस लड़की को आवाज देकर रोकने लगा। रुको, अरे रुको, सुनो, रुको। वो जैसे ही उस लड़की के पास गया तो वो लड़की गायब हो गई थी। रमेश इस बार घबरा गया था। उसके माथे का पसीना साफ साफ बता रहा था कि वो बुरी तरह से डर गया है। रमेश ने ये बात फिर से किसी को नहीं बताई, लेकिन अब उसे प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने से डर लग रहा था। अगली रात रमेश एक ही जगह खड़ा रहा। उसने स्टेशन का कोई चक्कर नहीं लगाया। कुछ देर बाद रमेश के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में जानकारी लेने लगा। रमेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। रमेश दूसरी तरफ देखने लगा और उस आदमी को नजरअंदाज करने लगा। उस आदमी ने फिर से रमेश से पूछा। इस बार रमेश को लगा कि ये कोई इंसान ही है। रमेश उस आदमी को ट्रेन के बारे में बताने लगा। तभी घड़ी में 2 बज गए। पूरा प्लेटफॉर्म घड़ी की आवाज से गूंज रहा था। रमेश ने घड़ी की तरफ देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया।
उसके सामने खड़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाया तो वो होश में आ गया। रमेश ने देखा कि सामने खड़ा आदमी उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। उसने अपनी आंखें मली, उसे फिर भी वो आदमी धुंधला ही दिखाई दे रहा था। रमेश ने उस आदमी को बुलाने की कोशिश की तो वो भागने लगा। रमेश भी उसके पीछे भागने लगा और वो आदमी अचानक से पटरी की तरफ भागने लगा और गायब हो गया। रमेश अपना बैलेंस नहीं बना पाया और पटरी पर गिर गया। उसने ट्रेन की आवाज सुनी और घबरा गया। उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। वो डर से चिल्लाने लगा। तभी रेलवे स्टेशन मास्टर प्रसाद भागा हुआ आया और उसने रमेश को पटरी से बाहर निकाला। रमेश कुछ देर तक बेहोश रहा। रेलवे मास्टर प्रसाद ने रमेश के ऊपर पानी छिड़का तो वो उठकर चिल्लाने लगा। प्रसाद ने उसे शांत किया और उसे दिलासा दिया कि वो ठीक है। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये कैसे हादसे हो रहे हैं। प्रसाद ने पहले तो उसे डांटा कि वो पटरी के इतने पास क्यों गया। रमेश ने प्रसाद को अपने साथ घट रही सारी अजीब घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। प्रसाद तुरंत ही समझ गया। उसने कहा, इस इलाके में कई छलावे रहते हैं, वो सब रूप और शरीर बदल बदल कर आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। रमेश छलावे का नाम सुनकर बुरी तरह से कांप उठा। वो जल्दी से स्टेशन से भागने लगा। प्रसाद ने उसे समझाया कि ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं है, बस इन सब का एक ही इलाज है कि जब भी ये तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें तो तुम्हें इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और छलावे से बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। रमेश प्रसाद की बात ध्यान से सुनता रहा, फिर थोड़ी देर बाद उठकर प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है। वो आदमी और कोई नहीं, प्रसाद था। रमेश को समझ नहीं आया कि प्रसाद तो उसके साथ कमरे में था, फिर ये कौन है। तब तक प्रसाद उसके पास आकर उससे बात करने लगा। प्रसाद ने रमेश से उसकी घबराहट की वजह पूछी तो रमेश सन्न खड़ा था। अरे रमेश, क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो। प्रसाद ने उसे बताया कि आज उसे आने में देरी हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। ये बात सुनकर रमेश को धक्का लगा। वो भागता हुआ रूम में गया। उसने देखा कि प्रसाद डेस्क पर बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। उसने कमरे से बाहर जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रमेश घबराकर स्टेशन से भागने लगा। तभी उसका पैर एक लाश से टकरा गया और वो गिर पड़ा। उसने देखा कि सामने प्रसाद की लाश पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके थे। रमेश घबराकर उठने लगा और उठकर भागने लगा। लाश की आंखें खुली और वो रमेश के पैरों पर लिपट गई। प्रसाद की लाश जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसे कोई बचा ले और वो मरना नहीं चाहता। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस स्टेशन से बाहर निकलने में और घबराता हुआ रमेश उस स्टेशन से भाग गया। कुछ दिनों बाद एक नया गार्ड स्टेशन पर ड्यूटी करने आया। वो एक रात ड्यूटी कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि घड़ी में 2 बज गए थे। सारा प्लेटफॉर्म खाली था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। गार्ड ने देखा कि वहां कोई नहीं था। वो प्लेटफॉर्म के चक्कर काटने लगा कि तभी उसे एक परछाई दूर जाती हुई दिखाई दी। वो परछाई एक शरीर में बदल गई और उस गार्ड के पास जाकर खड़ी हो गई। गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने रमेश खड़ा था।